सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब टुडे। भारत ने यूक्रेन मुद्दे ते नीदरलैंड दे राजदूत नूं लगाई सख्त फटकार। संयुक्त राष्ट्र च भारत दे स्थाई प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने ब्रिटेन च नीदरलैंड दे राजदूत नूं सख्त फटकार लगाई है। दूत ने कहा कि भारत नूं यूक्रेन ते संयुक्त राष्ट्र महासभा च हिस्सा नहीं लैणा चाहीदा सी। इह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वल्लों कारेल वैन ओस्ट्रोम ने कहा कि तुहानूं महासभा च हिस्सा नहीं लैणा चाहीदा सी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करो। इसते त्रिमूर्ति ने तुरंत डच दूत नूं जवाब दिता अते कहा कृपा सानू सलाह ना दिओ अते कहा कि कृपा करके सानू सलाह ना दिओ, सानू पता है कि की करना है। भारत ने जनवरी तो बाद तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद महासभा अते मनुखी अधिकार परिषद च यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले की आलोचना करने वाले प्रतिक्रियात्मक वोटां अते मसौदा प्रस्तावों ते रोक लगा दिती है। पाकिस्तान के स्कूलों ने खिडौने बंदूकों ते हथियारों ते पाबंदी की मांग की। आल इंडिया पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फैडरेशन ने पाकिस्तान सरकार तो खिडौना बंदूकों ते होर हथियार खिडौणियों की विक्री ते पाबंदी लाने की मांग की है। फैडरेशन ने कहा कि खिडौने बंदूकों ते हथियारों नाल बच्चों की मानसिक समस्या पैदा होण अते बच्चों के जुर्म पेशा बनने का खतरा बनता जा रहा है। सूत्रों अनुसार फैडरेशन के राष्ट्रीय प्रधान कासिफ मिर्जा ने पाकिस्तान सरकार तो मांग की कि नकली हथियारों के निर्माण अते विक्री ते पाबंदी लगाई जाए अते विक्री करने वाले दुकानदारों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मिर्जा के अनुसार खिडौने बंदूकों की विक्री अते वरतों पाकिस्तान च बच्चों च अपराधिक गतिविधियां नूं जन्म दे रही है। इंग्लैंड स्कॉटलैंड अते वेल्स दीआं स्थानक कौंसल चोणां दे नतीजे च लेबर पार्टी की वड्डी जित। इंग्लैंड स्कॉटलैंड अते वेल्स दीआं स्थानक कौंसल चोणां दे नतीजियां च लेबर पार्टी ने वड्डी जित दर्ज की है, जबकि टोरी पार्टी नूं करारी हार का सामना करना पिया। इसलिंगटन च लेबर पार्टी ने पूर्ण बहुमत नाल 48 सीटां ते जित प्राप्त की। केंद्र च सरकार होण दे बावजूद टोरी एक भी सीट ना जित सकी। बीते दिनी स्कॉटलैंड वेल्स अते लंडन दीआं सारीआं कौंसलां अते इंग्लैंड च चोणां होईआं सन। स्लो दीआं स्थानक बार कौंसल चोणां च लेबर पार्टी ने वड्डी जित प्राप्त की है। स्लो दे सिख संसद मैंबर तमनजीत सिंह ढेसी वल्लों वोटरां दा लेबर कारकुनां दी जित ते वधाई अते धन्नवाद कीता गया। देश भर च प्राप्तियां दे नाल इह स्थानक चोणां लेबर पार्टी लई इक मोड़ हन अते अगले साल होण वालीआं जनरल चोणां च सरकार बनाउण लई वी तैयार हां। क्यूबा दे हवाना च इक लग्जरी होटल विच होए जबरदस्त धमाके विच मरन वालिआं दी गिणती 22 हो गई है अते जख्मियां दी गिणती 64 हो गई है। क्यूबा के राष्ट्रपति दफ्तर ने यह जानकारी दी कि पहला आईया रिपोर्टों में कहा गया सी कि 18 लोग मारे गए सन अते 50 तो वध जख्मी हुए हैं। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने घटना स्थान अते हवाना दी एक स्थानक हस्पताल का दौरा करन तो बाद कहा कि यह घटना बंब धमाका जां हमला नहीं सी। उन्हां कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। राष्ट्रपति दफ्तर के अनुसार शुक्रवार सवेरे साराटोगा होटल में धमाका गैस लीक होने कारण होया। क्यूबा के सेहत मंत्रालय अते हस्पताल सेवावां दे मुखी जूलो गुआरा ने कहा मौजूदा समय में हवाना में 2 बच्चों के हस्पतालों में 8 सेहत सहूलतों में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अफगानिस्तान च सर्वोच्च नेता तालिबान मुखी ने अज एक आदेश जारी करके औरतों के जनतक स्थानों पर बुरका पा के ही जाण नूं कहा है। आदेश ना मनण वालियां औरतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गल की गई है। सूत्रों के अनुसार औरतों नूं वाहन चलाउण ते रोक लगाउण दे आदेश की स्याही अजे सुक्की भी नहीं है कि तालिबान ने अज एक सख्त आदेश जारी करके औरतों के अधिकारां ते हमला किया। तालिबान मुखी ने सिर तो पैर तक बुरका पाउण दा आदेश दिता। तालिबान नेता हैबतुल्ला अखंड ज़्यादा ने जारी आदेश कहा कि यह बुरका साडा रिवायती पहरावा है।